नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने RBL क्रेडिट कार्ड की लॉगिन आईडी और पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपके भाई के चैनल पर चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अब आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे यहां पर मिल जाएगी और चैनल के होम पेज पर भी यहां पर आप लोगों को ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियो बनाता रहूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको RBL बैंक की इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में पाँचवें नंबर पर रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, इस तरीके से RBL रिवॉर्ड्स की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, ये रहा, ये देखिए। तो अगर आप पहले इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं है तो आपको रजिस्टर कर लेना है, और अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन की डिटेल है यानी कि कस्टमर आईडी वगैरह, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन की डिटेल नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। तो मैंने पहले इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर ये आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, और अगर आप लॉगिन आईडी वगैरह भूल चुके हैं तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ नीचे दोस्तों, आपको रिट्रीव योर यूजर आईडी लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर भर लेना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डिटेल भर लेता हूँ। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, यूजर आई डी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आई डी। ठीक है, तो आपके ईमेल आई डी और आपके मोबाइल नंबर पर आपकी रजिस्ट्रेशन आई डी जो है वो भेज दी जाएगी। अब पासवर्ड कैसे रिकवर करेंगे आप वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ से बैक कर लेना है इसे। इसके बाद यहाँ नीचे आपको रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको अपनी यूजर आईडी भर लेनी है, देन यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो चलिए मैं यूजर आईडी भर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, इट विल बी शेयर्ड इन नेक्स्ट 5 मिनट। ठीक है, यानी कि आपके मोबाइल पर एक OTP जो है वो भेजा जाएगा, और उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में भर लेना है। इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नया पासवर्ड जो है वो बनाने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड सेट कर लेना है। तो दोस्तों, पासवर्ड कैसा होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, ठीक है, और नंबर वगैरह होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। ठीक है, आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं। तो पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों, आपको यहां से सबमिट पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ आ गया है, योर पासवर्ड वाज चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू लॉग इन टू योर अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपने RBL क्रेडिट कार्ड की लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।